जिले में अब और दो नए थाने अस्तित्व में आ गए हैं। अब तक यहां महिला थाना को लेकर कुल 26 थाने ही थे। इस तरह दोनों थानों के बनने से 28 थाने हो गए। थाना राम गड़ताल कुल 56 गांव पर निगाह रखेगा तो गीड़ा थाना 97 गांव को हैंडल करेगा। आपको बता दें कि कैंट और कोराबार थाना क्षेत्र से कटकर राम गड़ताल को अस्तित्व में लाया गया है। इस संबंध में सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि राम गड़ताल थाना क्षेत्र में 56 गांव आएंगे। इनकी सीधी रिपोर्ट थाने में होगी। अब इन्हें कैंट थाने से मतलब नहीं रहेगा। आपको बता दें कि राम गड़ताल थाना क्षेत्र में आने वाले गाँव गायघाट बुजुर्ग, भरवलिया मछरिया, सिंधुलिया, मिंदुलिया, चिलमापुर सहित 56 गांव हैं, जिसमें कैंट थाना क्षेत्र में आने वाले मोहल्ले भी रामगढ़ताल में शामिल हो गए हैं, जिनमें इंदिरानगर, रसूलपुर, गोपालपुर, गौतम विहार कॉलोनी सहित आजाद चौक शामिल है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा। जैसे कि हमें पता है कैंट और कोराबार का जो क्षेत्र था काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसमें और इफेक्टिव पुलिसिंग करने के लिए जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमें कह के रखा था कि एक नया थाना इसमें डेवलप करना है। वो थाने की फाइल जो है वो भी मूव की थी और वो एक्सेप्ट भी हुई थी। अभी स्थायी रूप से रामगढ़ताल जो चौकी है उसमें एक थाने की शुरुआत उसमें हुई है। नए जो थाना अध्यक्ष है राणा देवेंद्र प्रताप, उनकी भी वहाँ पर नियुक्ति हो गई है। और स्वाभाविक सी बात है, जब थाना आ गया वहाँ पे क्राइम अगर जो भी हो रहे हैं वो टोटली अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। 5 चौकियाँ उस थाने में प्रस्तावित हैं। कितने गांव आ रहे हैं? करीबन 56 गांव है उसमें, 56। आवश्यकता वही है कि एरिया बड़ा है और बड़े एरिया को देखने के लिए, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर से दृष्टिगत देखने के लिए ये थाना बनाया गया है।